हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जापान कंट्री के बारे में। जापान कंट्री में आप वर्क परमिट वीजा कैसे पाएंगे इसके बारे में बताएंगे आपको, और ये वीजा कैसे मिलता है इसके बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसे जानकारियां दूंगा आज इस वीडियो में आपको, ताकि कभी भी आप जापान कंट्री में जाना चाहते हैं वर्क परमिट वीजा लेकर, तो आपकी जो भूल चूल हो उसे कैसे आप सुधार सकते हैं। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देश विदेश गल्फ कंट्री के बारे में अच्छी अच्छी नॉलेज और जानकारियां देते रहता हूं, जिस प्रकार से आप आसानी तरीके से गल्फ कंट्री में जाकर जॉब पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जापान कंट्री में वर्क परमिट वीजा हमें कैसे मिलता है। जैसे पहले कंपनी में आपको खुद ही जापान कंट्री में जाएंगे तो काम ढूंढना पड़ेगा। काम ढूंढेंगे, काम करेंगे तो आपकी मतलब यदि जापान कंट्री में मान लीजिए हम पहुंच गए, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह रखता है कि हमें काम खोजना पड़ेगा। चाहे आप पेंटे का काम खोज लें, कारपेंटर का काम खोज लें, प्लम्बर का काम खोज लें, सीटिंग कारपेंटर का काम, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, कुकिंग का, कोरियर का, कोई भी ड्राइवर का, कोई भी एक काम जरूरी है जो आप जापान कंट्री में जाएंगे तो खुद ही आप काम खोजेंगे, दूसरा कोई नहीं इसमें खोजेगा, खुद आप काम खोजेंगे। जब आप काम करेंगे किसी भी कंपनी में, यदि किसी भी कंपनी में जब आप काम करेंगे, एम्बेसे और इंग्रेमेशन के द्वारा आपका वीजा जो मिलेगा। कैसे? यदि आप किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं, वो आपका कंपनी पूरा बाय टू डेटा लेगा और एम्बेसे इंग्रेमेशन में वो जमा करेगा कि यह मेरा बंदा है, ये मतलब वर्कर है, यह मेरे पास काम करेगा, मतलब इसको वीजा, वर्क वीजा चाहिए। वर्क वीजा परमिट वीजा तो एम्बेसी और इंग्रेशन ये तैयार करेगी आपका वीजा। वो कौन कराएगा? जिस कंपनी में आप काम करेंगे वह कराएगा, ना ही तो आप ये ना सोचिए कि आप कराएंगे, ऐसा कोई ऐसा कभी ना सुनिएगा। अब बता दें आपको एक बात, कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि चलिए हम आप वहाँ जाइए, आपका हम टूरिस्ट वीजा है तो परमिट वीजा करा देंगे, स्कूलिंग वीजा मतलब टूरिस्ट वीजा लीजिए स्कूलिंग वीजा करा देंगे। तो ये सब दोस्तों कतई ये सब बातों को ना मानिएगा, क्योंकि टूरिस्ट वीजा रहे, चाहे परमिट वीजा रहे, चाहे स्कूलिंग वीजा रहे, ये सब वीजा वही लोग लगाएंगे जिनके थ्रू, मान लीजिए हम कॉलेज में गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए हैं जापान कंट्री में, तो वहाँ की जो मतलब मेरा बायो डेटा लेगी वो एम्बेसी में भेजेगी कि इसको स्कूलिंग वीजा चाहिए और यह मतलब कॉलेज में रहता है, तो इस तरीके से आपको स्कूलिंग वीजा मिलेगा। अब दोस्तों हम बात कर लिया जाए कुछ ऐसे लोग, मतलब कुछ ऐसे एजेंट आपको मिलेंगे जो आपको कहते होंगे कि आपको मैं टूरिस्ट वीजा, परमिट वीजा या बिजनेस वीजा या चाहे स्कूलिंग वीजा, आप जापान कंट्री में चलेंगे तो जापान कंट्री में से आपको हम परमिट वीजा डायरेक्ट करा देंगे। तो दोस्तों ऐसे अगर एजेंट आपके पास आसपास भटकते हैं तो आप ऐसे एजेंटों से बहुत दूर रहिए, क्योंकि ये आपका पैसा बर्बाद करेंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे और आप जो भी सोच रहेंगे टाइम फ्यूचर सब आपका बर्बाद कर देंगे। तो यदि आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों ये बातों को अच्छी तरीके से ध्यान करिएगा। वर्क परमिट वीजा चाहे टूरिस्ट वीजा चाहे स्कूलिंग वीजा वही लोग लगाएंगे जहां पर आप जापान कंट्री में जॉब करेंगे, वही आपका पूरा फॉल मतलब पूरा बायो टू डेटा ले आके एम्बेसी और इंग्रेशन में देंगे, तो जाकर आपका चाहे कह सकते हैं बिजनेस वीजा, चाहे टूरिस्ट वीजा, चाहे परमिट वीजा, वर्क परमिट वीजा तो ऐसे तैयार होता है। अब हम बात कर लिया जाए जापान में, यदि पहले नंबर हमें काम खोज लें, जिस भी काम के हम काबिल हैं वह काम खोज लें, काम कर लेंगे तो हमें आसानी तरीके से वीजा मिल जाएगा, वर्क परमिट वीजा। वर्क परमिट वीजा कितने दिन का होता है, इसका खर्च कितना होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए, क्योंकि वर्क परमिट वीजा जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। पहला जो साल भर का वर्क परमिट वीजा बनता है, उसके बाद 3 साल का मतलब परमिट वर्क परमिट वीजा मिलता है, उसके बाद 5 साल का वर्क परमिट वीजा मिलता है। अब यहाँ आ जाए जापानियन भाषा हमें कितने दिन में सीखना हो। जापानियन भाषा आप चाहे 1 महीने में सीख सकते हैं, 2 महीने में सीख सकते हैं, 3 महीने में सीख सकते हैं या चाहे 4 महीने में सीख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये कोर्स नहीं है कि आप जापानी भाषा कहिया तक सीखेंगी, ये कोर्स नहीं है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है कि आपको जापानियन भाषा 1 महीने में बोलने आ जाए तो 1 महीने में लिखने आ जाए, मतलब जापानियन भाषा अगर बोलने आया है तो लिखने भी आना चाहिए, तभी आप जापान कंट्री में एक अच्छा खासा सैलरी कमा पाएंगे जो हर कोई कमाना चाहता है। यदि आप जापान के चक्कर में हैं और जापान कंट्री में जाना चाहते हैं तो ये बातों को ध्यान दें,
कि कोई भी एजेंट यदि आपको कहता है कि मैं वर्क परमिट वीजा टूरिस्ट वीजा लेकर जाइए वहाँ वर्क परमिट वीजा मैं लगवा दूंगा, तो कतई ये बातों को मत सुनिएगा, क्योंकि वर्क परमिट वीजा कंपनी के थ्रू मिलता है। जो जिस कंपनी में आप काम करेंगे वह आपको वर्क परमिट वीजा वो भी लगाएगा नहीं लगवाएगा। इसका प्राइस कितना होता है, मतलब कितना पैसा लगता है वर्क परमिट वीजा को बनवाने में, जो कंपनी खर्चा करती है वो 5 से 4 हज़ार रुपये तक लगभग करती है, जिससे आपको वर्क परमिट वीजा मिल जाता है जो आपको 1 साल 3 साल 5 साल तक काम कर सकते हैं। सेम टू सेम स्कूलिंग वीजा में वही है, आप कॉलेज में नाम लिखाएंगे, कॉलेज में मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, आप पढ़ाई करिए, उसके बाद वहाँ का प्रिंसिपल अधिकारी जो भी रहेंगे आपको टूरिस्ट वीजा मतलब स्कूलिंग वीजा वो आपका करा देंगे। यदि दोस्तों आपके मन में कोई सवाल सुझाव हो, लगता हो कि कोई बात आपसे भूल गई है, तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आइए, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट दीजिए, मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा। तो दोस्तों